सरपंच रहे चौधरी मुल्तान सिंह जी, राजवीर और तेजवीर के पिताजी वो आए जी और पगड़ी बना के हमारे बावी एमएलए का स्वागत करेंगे जी। मान सम्मान की प्रक्रिया चलते हुए पगड़ी पहना करके सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है। गोपाल राणा को लाइव तस्वीरें इस समय आप I7 न्यूज नेटवर्क से देख रहे हैं और ये देखिए किस प्रकार से आशीर्वाद लेते हुए पगड़ी पहनाई है बुजुर्ग ने और पांव छू करके आशीर्वाद लेते हुए। हेलो, मेरे गांव के मेरे भाई मेरे चाचे मेरे दादे में सबको आश्वासन देता हूँ, गरीब आदमियों को भी दिन रात आपके दुख सुख का साथी, ये जरा भी फोन करोगे आपके दुख सुख का साथी है, हम आश्वासन देते हैं बिल्कुल भी आपके दुख सुख में पैसे की तरफ से वैसे भी जितने भी आपको मदद मिलेगी ईमानदार बहुत मिलती बहुत मिलती। और मान सम्मान की प्रक्रिया लगातार चलते हुए आशीर्वाद देते हुए गोपाल राणा को पगड़ी पहनाकर गांव जाने की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं लाइव। असंध विधानसभा क्षेत्र बसपा और इनेलो के संघ से प्रत्याशी हैं गोपाल राणा और लगातार पगड़ी सम्मान इन लोगों के साथ में जो पदाधिकारी आए हुए हैं उनको भी मान सम्मान देते हुए गांव जैनी वासी। गांव जैनी से लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं IBN7 न्यूज नेटवर्क से और असंध विधानसभा क्षेत्र में गोपाल राणा पहुंचे हैं गांव जैनी में और भव्य स्वागत समारोह यहां पर गांव जैनी वासी तेजवीर विकास बबलू सभी पूरी टीम ने उनके बहुत सुंदर यहां पर प्रोग्राम किया और गोपाल राणा जी का बहुत सुंदर स्वागत उनके द्वारा यहां पर किया गया। कंबाइन पर बिठा कर लेके आए और इनेलो कैडर के नेता मान सम्मान करते हुए गांव जैनी वासी और बड़ा एक काफिला था, मोटरसाइकिल का काफिला था, ट्रैक्टरों का काफिला था, कंबाइन थी, गाड़ियों का काफिला था। हमारे पूर्व सरपंच के पुत्र तेजवीर सिंह जी, भाई मेहर सिंह सरपंच जुंडला जी का, मेहर सिंह सरपंच जुंडला जी का स्वागत करते हुए तेजवीर सिंह और ये बड़ा भव्य स्वागत और किस खुशी से मिलते हुए जो भी नजदीक हो तो आइए। लगातार मान सम्मान की प्रक्रिया चलते हुए और स्वागत करते हुए इतने खुश हो गए आप पे ताड़ी लगे बजाने। मान सम्मान की प्रक्रिया बहुत ये बात लेकिन तो कसर नहीं छोड़ेंगे, वर्क कर रहे हैं। इनेलो का एक मजबूत कैडर बसपा के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। गोपाल राणा जी को विशाल जनसमूह ने यहां पर बड़ा मान सम्मान किया, सत्कार किया और लगातार स्वागत की प्रक्रिया यहां पर चलते हुए और तमाम गांव जैनी वासी यहां पर दो चौपाल पर मौजूद हैं। बहुत सहयोग जी, पूरी छत्ती बरादरी का सहयोग है, सारा युवा इनके साथ है और अपने गोपाल भाई को जिता कर विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। और अब आपके सामने बबलू भाई गोपाल राणा जी को पगड़ी पहनाते हुए बबलू भी इसमें स्वागत कर रहे हैं। एक बार
बताऊ, कोच पैड का नाम तो मशहूर थी है। गोपाल भाई तो दो पगड़ी धरती थे। अब मैं भाई दो पार्टी लड़ रही, हमारी मजबूरी है, दो तो ज्यादा ढाई अब मैं निवेदन करूंगा मेरे गांव के युवा साथी, हमारे भाई राजवीर के सपुत्र, सभी युवा साथी गुरु ब्रह्म ऋषियों की समृद्धि चिन्ह देकर भाई को सम्मानित करेंगे। युवा टीम के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है गोपाल राणा जी को, स्मृति चिन्ह भेंट करके बड़ा आदर सत्कार किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आईबीएन सेवन न्यूज नेटवर्क से आप इसमें देख रहे हैं। हमारे इनेलो कस्बा के प्रत्याशी भाई गोपाल जी अपने विचार रखेंगे। सर्व समाज में जन्मे संतों और महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और आज के इस प्रोग्राम के संयोजक सरपंच मुल्तान जी, ओम प्रकाश जी, जिले सिंह जी, पृथ्वी सिंह जी, धर्म सिंह जी, नर सिंह जी, ऋषिपाल जी, तेजवीर जी, नफे सिंह जी, बलकार सिंह जी, विनोद सिंह जी, बलकीर सिंह जी, राजेश कुमार जी और समस्त ग्रामवासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने जो ये मान सम्मान दिया, इतना जोश और जुनून आप लोगों ने दिखाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख तक वोटिंग तक इस जोश को और इस जुनून को आप लोग यूं ही बरकरार रखेंगे, इसी हौसले के साथ रहेंगे। आपको पता है 5 तारीख को चुनाव है। पिछली बार 2019 में मेरे पिताजी ने अकेला बीएसपी से चुनाव लड़ा था, अब की बार इनेलो के साथ गठबंधन है, दोनों पार्टियां साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, जिससे गठबंधन से दोनों पार्टियों को मजबूती मिली है। और मैं आपका भाई, आपका बेटा, मैं यहां राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं आप लोगों के बीच, आप लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए आया हूं, और मैं 36 बरादरी में भाईचारा बनाने के लिए आया हूं, ताकि मैं हर समाज को, हर वर्ग को, 36 बरादरी को साथ लेके चल सकूं। किसी भी प्रकार का, कोई भी जात पात का, धर्म का कोई भेदभाव नहीं करूंगा, हर समाज का, 36 बिरादरी का बराबर मान सम्मान करूंगा, गरीब हो, अमीर हो, सबको बराबर मान सम्मान दूंगा। आप लोगों ने बहुत से विधायक बनाए हैं, सरकारें भी बनाई आप लोगों ने, अब की बार आप लोगों के पास मौका है, आप लोग अब की बार एक विधायक नहीं, आप अपना एक बेटा, अपना एक भाई चुनोगे, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको एक लायक बेटा बन के दिखाऊंगा। आप लोगों की जो भी समस्याएं होंगी, जो भी काम होंगे, उनका समाधान और काम मैं आप लोगों के बीच रह के करूंगा, आप लोगों को कभी निराश नहीं करूंगा, हर तरह से पूरा मान सम्मान करूंगा। राजनीति तो आती नहीं है, लेकिन समाज में पता है कैसे क्या होता है, कैसे मान सम्मान किया जाता है, कैसे बैठना होता है, क्या बातें होती हैं। समाज के हिसाब से मैं आप लोगों के बीच हर तरह का, हर वर्ग से भाईचारा बना के रखूंगा। जो भी भाई मेरे पास आएगा उसका पूरा मान सम्मान करूंगा, कोशिश रहेगी किसी भी भाई को कभी निराश नहीं करूं। और मैं युवाओं को कहना चाहूंगा, युवा हूं तो पढ़ा लिखा भी हूं, जानता हूं युवाओं की क्या क्या समस्याएं हैं, रोजगार को लेके हैं, कोशिश रहेगी अपने भाइयों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराऊंगा, इस हल्के में इंडस्ट्री वगैरह लेके आऊंगा, नहीं तो मेरे पास रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी का और मेरे घर का दरवाजा 36 बिरादरी के नौजवानों के लिए, भाइयों के लिए 24 घंटे खुला है। जो भी भाई जैसा पढ़ा लिखा है उसके लिए वैसा रोजगार उपलब्ध है, कभी भी आ जाना, आप लोगों के लिए कभी मना नहीं है, आप लोगों के लिए मैं हर दम तैयार मिलूंगा, जब भी आप मुझे याद करोगे। मैं नेता नहीं बनने आया हूं, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, भाइयों का साथ चाहिए, मैं इसी में खुश हूं कि आप लोग मुझे अपना बेटा मानो, नौजवान साथी हैं वो अपना भाई माने। राजनीति तो बहुत से लोग करते आए हैं, लेकिन राजनीति से हटके भी बहुत चीजें हैं, समाज है,
भाईचारा है वो राजनीति से भी ऊपर है, और मैं यहाँ आप लोगों के बीच भाईचारा ही कमाने आया हूँ। मेरे पिताजी ने मेहनत की है, आप लोगों के बीच रहे हैं पिछले 12 साल से, हर समाज के साथ, हर वर्ग के साथ, 36 बिरादरी के साथ वो आप लोगों के सुख दुख के साथी रहे हैं। मेरी भी यही कोशिश होगी कि मैं भी आप लोगों के सुख दुख का साथी रहूंगा, आप लोगों के बीच रहूंगा। जहां भी कोई भी समाज, 36 बिरादरी, मेरी जो भी सामाजिक, सार्वजनिक कोई भी जिम्मेवारी, कोई भी ड्यूटी लगाएगा, मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। हर तरह से जो भी मुझसे बनेगा सामाजिक काम के लिए, उसको करने के लिए मैं हमेशा तैयार मिलूंगा। और आपको पता ही है इस सरकार में हर वर्ग परेशान है, विकास के नाम पे कुछ नहीं है। मैं भी घूम रहा हूँ हल्के में, आप लोग भी हल्के में रहते हो, सड़कों का हाल आपने देखा होगा, बारिश के मौसम में निकलने का रास्ता नहीं रहता, आम जन बहुत ज्यादा परेशान है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों की ये परेशानियां, ये समस्याएं दूर करूं और आप लोगों का हर तरह से मान सम्मान करूंगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं एक उम्मीद और एक विश्वास आप लोगों के बीच लेके आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी जो उम्मीद और विश्वास लेके आया हूँ उस पर आप लोग खरा उतरेंगे, मुझे आशीर्वाद भी देंगे। अगर आप लोग मुझे मौका देते हैं, आप लोग मुझे चुन के विधानसभा भेजते हैं, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए पूरी ईमानदारी से और पूरी लगन से आप लोगों के लिए काम करूंगा और आप लोगों का पूरा मान सम्मान करूंगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को हाथी का सामने वाला बटन दबाकर अपने बेटे को, अपने भाई को विजय बनाए। मेरी जीत आप सबकी जीत होगी, 36 बरादरी की जीत होगी। और मैं एक बार फिर इस मान सम्मान के लिए समस्त ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो ये मान सम्मान का प्रतीक पगड़ी आप लोगों ने मुझे भेंट की है, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा, पूरा मान रखूंगा। आप लोगों की सेवा में मैं अपनी जिंदगी के 5 साल तो दूंगा ही, उसके बाद आप लोगों को कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तब भी मैं आप लोगों के बीच खड़ा मिलूंगा। कभी भी आप लोगों से कहीं निराश नहीं करूंगा, ना ही आप लोगों के बीच आने से कभी पीछे हटूंगा। हर तरह से, हर तरीके से मैं आप लोगों के साथ हूं। बस आप लोग मुझे आशीर्वाद दें और मेरा साथ दें। धन्यवाद। सभी से निवेदन है कि